नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सृष्टि राय। बिहार में सियासी जमात हर साल होली मिलन समारोह का आयोजन करता है, क्योंकि हमारे राज्य में होली के रंगों से राजनीति के नए नए रंग भी तैयार होते हैं। सीनियर बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद हर साल होली मिलन समारोह का आयोजन करते हैं, इसमें बड़ी संख्या में लोग शिरकत करते हैं। इस साल भी रविशंकर प्रसाद के आवास पर होली मिलन का आयोजन किया गया, जिसमें एक नया राजनीतिक रंग देखने को मिला। देखिए रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद के होली मिलन समारोह में लोजपा के नेता चिराग पासवान और वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी भी पहुंच होली का आनंद लिया। मुकेश सैनी के आगमन पर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की राजनीति बातें होने लगी। माना तो ये तक जा रहा है कि कहीं होली के बहाने 2024 और 2025 की राह बनाने की कवायद तो नहीं चल रही। पहले भी दोनों एक साथ आकर दूर जा चुके हैं। इन दोनों के अलावा नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, विप के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी, पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन और मंगल पांडे, संगठन मंत्री भीखू भाई दलसानिया भी पहुंचे। इस अवसर पर विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सैनी ने भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद की जमकर तारीफ की। दोनों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सैनी ने झाल बजाकर फाग गीत भी गुनगुनाए। पत्रकारों से चर्चा करते हुए सैनी ने कहा कि पटना साहिब के सांसद प्रसाद ने उन्हें समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, इसके लिए मैं आभारी हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसे तो भारतीय संस्कृति का हर पर्व कोई न कोई संदेश देता है, लेकिन रंगों का यह त्योहार लोगों को सभी मतभेद आपसी वैमनस्य भुलाकर सभी रंगों में डूबकर खुशियां बांटने का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि यह पर्व जैसे आज खुशियां बिखेर रहा है, उसी तरह बिहार वासियों और देशवासियों के जीवन में जीवन भर ऐसी ही खुशियां बिखरी रहे। पत्रकारों द्वारा पूछे गए राजनीति से संबंधित सवालों को टालते हुए उन्होंने कहा कि होली में होली का धमाल और रंगों की बरसात की बात होनी चाहिए। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मतभेदों को भुलाकर हम सभी एकजुट होकर बिहार की तरक्की के लिए काम करें। होली मिलन के दौरान रविशंकर प्रसाद ने मुकेश सैनी को रंग लगाया। इस मौके पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। मुकेश सैनी भी रविशंकर प्रसाद के गले मिले। ऐसे में अब माना जा रहा है कि बीजेपी महागठबंधन को घेरने के लिए चक्रव्यूह की रचना कर चुकी है। उसे अब बस इंतजार है समर शुरू होने का। इसी रणनीति के तहत रूठों को रंग लगाए जा रहे हैं। बेआबरू कर निकाले गए मुकेश सैनी को मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। अब लोकसभा चुनाव में महज एक साल का वक्त बचा है। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में होली के मौके पर एक बार फिर से टूटी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। कभी इन्हें मुकेश सैनी को बीजेपी ने बेआबरू करके विधान परिषद से बाहर किया और बिहार सरकार में मंत्री का पद भी छीन लिया। लगभग साल भर पहले तक मुकेश सैनी बीजेपी को पानी पी पी कर गालियां दे रहे थे, साथ ना जाने की कस्में खा रहे थे, अब मिठाइयां खा रहे हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में भूचाल आना तो लाजमी है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। नमस्कार।